सो भाई लोग, फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड आ चुका है, तो डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर कंटेंट के जो है यहाँ पर रिलीज हुए हैं ओटीटी के ऊपर। सबसे अच्छी बात, ये सारे कंटेंट जो है वो हिंदी डब में भी अवेलेबल है या तो हिंदी में ही है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ हमने हिंदी कंटेंट को इंक्लूड किया है, फिर भी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पेंडिंग मूवीज़ का सरप्राइज रिलीज भी हुआ है, तो वीडियो को कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, आप फिर भी कमेंट करके पूछते रहते कि मूवी आई कि नहीं, तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको सारे अपडेट दे दूंगा कि कौन से मेजर कंटेंट हिंदी में इस वीक में आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वेब सीरीज और यहाँ पर मूवीज जितने भी ओटीटी के ऊपर कंटेंट आए हैं सबकी लिस्ट एक ही एक वीडियो में है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर कोरियन मूवीज है जिनको यहाँ पर हिंदी डब में रिलीज किया है प्राइम वीडियो ने। तो पहली आपकी मूवी है 12/12 द डे, ये मूवी यहाँ पर कोरियन मूवी है, हिंदी और कोरियन में अवेलेबल है प्राइम वीडियो के ऊपर। फिर एक और यहाँ पर कोरियन मूवी है जिसका नेम है एलियन नॉइड रिटर्न्स इन द फ्यूचर, ये मूवी भी कोरियन और हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है प्राइम वीडियो के ऊपर। फिर 2022 की एक मूवी है, साईफाई मूवी है 2022 की, इंग्लिश मूवी है जिसका नेम है यहाँ पर फायर स्टार्टर, ये मूवी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है जियो सिनेमा के ऊपर इंग्लिश हिंदी में। फिर एक 2023 की चाइनीज मूवी है ओशियन रेस्क्यू, ये भी अवेलेबल हो चुकी है इंग्लिश हिंदी में जियो सिनेमा ऐप के ऊपर। फिर यहाँ पर 2023 की मार्वल की मूवी थी जिसका नेम है मैडम ए वेब, ये मूवी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के अंडर। फिर यहाँ पर एक साउथ की मूवी है जिसका नेम था युवा, ये मूवी यहाँ पर अभी तक सिर्फ साउथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, बट आज से ये प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो चुकी है, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, कमेंट करके इसके अपडेट चाह रहे थे, तो यस देखिए ये मूवी युवा अब अवेलेबल हो चुकी है प्राइम वीडियो पर हिंदी डब लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है जरा हटके जरा बचके से रिलेटेड, तो यस मूवी फाइनली स्ट्रीम के लिए अवेलेबल हो चुकी है जियो सिनेमा के ऊपर। साथ यहाँ पर जो मडगांव एक्सप्रेस मूवी थी वो अब यहाँ पर प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन के अंडर ऐड हो चुकी है, अभी तक ये रेंटल्स में अवेलेबल थी। फिर यहाँ पर G5 की तरफ से बस्तर द नक्सल स्टोरी को भी रिलीज कर दिया गया है G5 ऐप के ऊपर। फिर यहाँ पर कॉप शॉप एक इंग्लिश मूवी थी जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो ये मूवी इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है लियोन्स गेट प्ले के ऊपर आज से 17 मई से। साथ ही यहाँ पर एक मूवी है जिसका नेम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इंग्लिश मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, इसका भी काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो ये मूवी 13 मई से अवेलेबल है BMS रेंटल्स के ऊपर इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू में। फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है मूवी वॉचमैन से रिलेटेड, 2009 की मूवी है ये DC की, अब जाके ये अवेलेबल हुई है BMS के ऊपर आज से रेंटल्स के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में। और यहाँ पर MX प्लेयर की तरफ से एक ओरिजिनल मूवी का OTT रिलीज किया गया है, मूवी यहाँ पर थिएटर स्किप करके डायरेक्ट MX प्लेयर पर रिलीज की जा रही है जिसका नेम है एला, ईसा तलवार की हिंदी मूवी है ये, आज से अवेलेबल हो चुकी है 17 मई से MX प्लेयर के ऊपर। साथ ही यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नेम है पावर, इंग्लिश मूवी है ये, हिंदी के साथ साथ अवेलेबल हो चुकी है यहाँ पर स्ट्रीम करने के लिए आज से नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर। फिर कुछ TV प्रीमियर होने वाले हैं इस वीकेंड में, जैसे कि रमा राव ऑन ड्यूटी मूवी जो है वो यहाँ पर 19 मई को TV प्रीमियर करेगी दोपहर 12 बजे सोनी मैक्स के ऊपर। साथ ही यहाँ पर घर की लक्ष्मी एक मूवी थी 2022 की मूवी है रश्मिका मंदाना की, यह मूवी यहाँ पर 20 मई को TV प्रीमियर करेगी रात के 8 बजे सोनी मैक्स के ऊपर, पहले ये 23 मई को आने वाली थी बट अब ये 20 मई को आ जाएगी, TV प्रीमियर इसका होगा सोनी मैक्स के ऊपर रात 8 बजे। फिर यहाँ पर एक लास्ट क्रिसमस मूवी है, इंग्लिश मूवी है ये, आज 17 मई से अवेलेबल हो चुकी है इंग्लिश और हिंदी में जियो सिनेमा ऐप के ऊपर। तो इस भाई लोग, ये थे कुछ मूवीज़ जो यहाँ पर इस वीक में रिलीज़ हुए हैं, काफ़ी मेजर मूवीज़ इस वीक में आई हैं, और यहाँ पर इस वीक में काफ़ी ढेर सारी सीरीज़ भी आई हैं जिनकी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, काफ़ी ढेर सारी सीरीज़ आई हिंदी में इसी एक वीक में, आज मई 17 को उनकी भी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, यहाँ पर आउटर रेंज का सीजन 2 अवेलेबल हो चुका है यहाँ पर प्राइम वीडियो के ऊपर इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू लैंग्वेज में। साथ ही यहाँ पर नेटफ्लिक्स की तरफ से 16 मई को रिलीज़ किया गया था ब्रिगल्टन का सीजन 3 का पार्ट 1 इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू में, वो भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एक नई सीरीज आई है सोनी लिव की तरफ से जो यहाँ पर पंचायत के कंपैरिजन में बताई जा रही है जिसका नेम है लंपन, लंपन का सीजन 1 अवेलेबल हो चुका है सोनी लिव के ऊपर। सिंपल प्योर यहाँ पर स्टोरी रखी गई है, सिंपलिसिटी वाली सीरीज आपको देखने को पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज से रिलेटेड जिसका नेम है क्राउन ऑफ ब्लड। जी हाँ, बाहुबली का द क्राउन ऑफ ब्लड सीरीज अवेलेबल हो चुका है आज से हॉटस्टार के ऊपर। फिर एक इंग्लिश की मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसका नेम है द ब्लाइंड, ये प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है इंग्लिश में और साथ ही हिंदी में भी डेफिनेटली।
फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है मिनी टीवी की तरफ से। मिनी टीवी हर वीक यहाँ पे फ्री कंटेंट रिलीज करता है, तो उनकी तरफ से एक नई सीरीज ऐड हो चुकी है, नामा कूल। ये सीरीज यहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी बेस्ड सीरीज है, ये अवेलेबल हो चुकी है अमेजॉन मिनी टीवी के ऊपर फ्री में स्ट्रीम करने के लिए। फिर यहाँ पर नेटफ्लिक्स की तरफ से एक न्यू ओरिजिनल सीरीज रिलीज की गई है, द 800। तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आज मई 17 से अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में। फिर एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर मई 17 से स्ट्रीम हो रही है, ओरिजिनल ट्रू स्टोरी स्कैंडल के ऊपर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। सीरीज का नेम है यहाँ पर एसले मेडिसन सेक्स लाइफ एंड स्कैंडल। तो ये सीरीज यहाँ पर स्ट्रीम हो रही है फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर, हिंदी में भी अवेलेबल है डेफिनेटली। फिर यहाँ पर एक चाइनीज सीरीज है जो इस वीक में रिलीज हुई है, जिसका नेम है यहाँ पर आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। इसका सीजन वन चाइनीज सीरीज का हिंदी में अवेलेबल हो चुका है अमेजॉन मिनी टीवी के ऊपर फ्री में स्ट्रीम करने के लिए, डेफिनेटली एड्स के साथ में। तो इस भाई लोग यही कुछ मेजर कंटेंट है जो यहाँ पर हिंदी में इस वीक में अवेलेबल हुए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ हिंदी कंटेंट को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी है, और जो हिंदी ऑडियंस है वो यहाँ पर डेफिनेटली बाकी लैंग्वेजेस में स्ट्रीम नहीं करती है, इसीलिए हमने जो कंटेंट हिंदी में आए हैं या फिर हिंदी डब में आए हैं उन्हीं को इस लिस्ट में ऐड किया है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या हमको यहाँ पर बाकी सारे रीजनल कंटेंट को भी कवर करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। पर मेरा ओपिनियन है कि हम सिर्फ हिंदी कंटेंट को यहाँ पर अपने चैनल पर इंक्लूड करें ताकि यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी रहे ऑडियंस के बीच में कि उनको यहाँ पर इस चैनल पे हिंदी कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी अपने जो सजेशन है वो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर यहाँ पे काम करूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, इस वीक में आप कौन कौन से कंटेंट देखने वाले हैं कमेंट में बताइएगा। बस यही थी फिलहाल इस वीक की अपडेट। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अपडेट पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में और भी OTT अपडेट्स के लिए काफ़ी मेजर मेजर मूवीज़ की अपडेट मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ने और लेटेस्ट OTT और वेब सीरीज अपडेट के साथ में। टिल देन बाय।